भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तरंगा तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भाई लोगों, आज हमारे राष्ट्रपति का जन्मदिन है। पंद्रह अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये सब आप जानते ही हैं। ना जाने किन किन महापुरुषों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया। हमें उनकी गौरव गाथा, उनकी वीर गाथा को सदैव स्मरण रखना चाहिए और उनके उस बलिदान को हमेशा अपने जहन में रख कर के देश सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। आप सभी जानते हैं 1947 14 अगस्त की रात को जब आज़ादी का ऐलान हुआ तो 15 अगस्त की सुबह ना जाने संपूर्ण देश में अपितु भारत के निवासी जो विदेशों में भी रहते थे उनके भी खुशियों के आंसुओं का ठिकाना ना रहा। और मैं आप सबको बता दूं कि जो भारत की भूमि है ये अपने आप में इतने दिव्य अलौकिक भूमि है, यहाँ पर आने के लिए देवता भी तरसते हैं। गायन की देवा किलगी तखानी धन्यस्त देवा तो भूमि भागे भगत पवरगास पदे हे भूते हरंति होया पुरुषम परमात्मा। धन्य है भारत भूमि के लोग जिनको भारत जैसी भूमि में जन्म मिला। आपको एक किस्सा बता दूं भारत भूमि का। जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर दी थी तो लक्ष्मण जी कहते थे भैया क्या करेंगे भारत भूमि जा करके, अयोध्या की घास पात की नगरी है, सोने की लंका में ही रहना चाहिए। पगले ये क्या पता उस भारत की मिट्टी का जिसको मैं 14 साल से पूछते हुए आ रहा हूँ। अभी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जन्म देने वाली माँ और अपनी जन्मभूमि भारत स्वर्ग से भी बढ़कर है। यद्यपि मुझे लंका में रहना होता मैं कब का रह लेता। मैंने तो लंका पतन से पहले ही राजा विभीषण को बना दिया था, आपने देखा होगा। तब लंका पर भी जहाँ से नहीं होते तब राज्याभिषेक जन्मभूमि और जन्मदात्री माँ से इतना प्यार करो, इतना प्रेम करो ताकि हमें मरने के बाद भी इसी धरा पर मर। कहते हैं ना, जिसको नहीं निज देश का निज जाति का अभिमान है वो नर नहीं, नर पशु नहीं, नरा मृतक समान है। मैं आपको इस 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं, मैं भारत माँ से भारत भूमि से यही प्रार्थना करूँगा आपको हर सब पद हासिल हो जिस पर आपकी अपनी एक सोच है, आप जिस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इतना ही ना।
इतना कहते हुए मैं एक और बात आपको विशेष बताना चाहूँगा कि स्वाधीनता हमेशा दिल से होती है। स्वतंत्रता अगर हम चाहेंगे कि हम कुछ उन चीज़ों से स्वतंत्र होने चाहिए तो हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक हम अपने दिल में परतंत्र है तब तक हम कभी देश में स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र अपने आप होना सीखें, अपनी आत्मा को जगाना सीखें। जब अपने भाव स्वतंत्र होंगे, अपने ललक स्वतंत्र होगी, दुनिया में कोई भी शक्ति हमें परतंत्र नहीं कर सकती। क्योंकि आपने जो ध्येय बनाया है, आपने जो उद्देश्य बनाया है, केवल फेसबुक और व्हाट्सअप चलाने के लिए नहीं बनाया है, केवल फ्री का नेट यूज करने के लिए नहीं बनाया है। आपको यदि कुछ करना है, कर्तव्य पर आरूढ़ रहो भाई बहनों, अधिकार स्वयं मिल जाएगा। पौधे को सींचते रहो, फूल स्वयं खिल जाएगा। विमला वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयति कल्पलते व विद्या। विद्या तो कल्प वृक्ष है, जो चाहोगे आपको वो मिल जाएगा, लेकिन उस पर भाई बहनों लगना पड़ेगा। अपने आप को दो प्रकार के औजार होते हैं। एक औजार होता है कमाणी का, जो गाड़ी में लगता है, कमाणी जो होती है, और एक औजार हो पोतरडे को। अगर आप नुकीला नहीं करोगे तो कमाणी वाले में भी जंक लग जाएगा, और नुकीला करोगे तो पतरे वाला भी अच्छा चल जाएगा। यही आपको बनना है। हमारी किस्मत नहीं है। अब्दुल कलाम जी ने कहा, किस्मत के भरोसे वो लोग रहते हैं जो मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं, उनको उतना ही मिलता है। इसलिए हमेशा एक चीज अपने जहन में रखना, ध्यान रखना, जिस क्षेत्र में भी जाना चाहो उस लक्ष्य को कभी मत छोड़ना, उस लक्ष्य पर अटल रहना, आपको कामयाबी मिलेगी। मैं कह रहा था ना, हैप्पी बर्थडे लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की अस्थि, बगावत हो तो ऐसी हो। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं भी देखा। गाइस, विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। इसे और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। समस्त देशवासियों को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से आशीष भाई को आज के इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भी, और इनका जन्मदिन है उस पर भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे भैया, आज तो पार्टी होगी, ताली बजाओ। शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो आज अपने बर्थडे पे भैया सबको प्रसाद बांट रहे हैं, आप लोगों को भी खाना है तो विकास नगर निर्मल प्लाजा में जरूर आए। सभी लोग प्रसाद खाने जरूर आए। और आप सभी को मेरी ओर से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस बार हमारे देश अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, इसलिए मैं सभी देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि इस महोत्सव में सभी भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं वीडियो का इंट्रो लास्ट में दे रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पहुँची वैसे ही झंडा रोहन हो रहा था। तो फटाफट मैंने आपको जैसे जैसे यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करा वो सब आपको दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर आप मेरी वीडियोस पे नए हो। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।